अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है ड्रेनेज, ये जग्राफिया 9th चैप्टर नंबर 3। बाय ड्रेनेज वी मीन द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। क्योंकि हमारा टॉपिक है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, जब आप इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो जाहिर है एक बड़े सिस्टम की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का एक ऐसा मुल्क है जहां पूरे साल बारिशें होती रहती हैं, खुसूसन मानसून में पूरे मुल्क बारिशों से असरअंदाज होता है। तो ये पानी निकालने के लिए ज़रूरी है कि एक मुनज़्ज़म सिस्टम भी होगा, लेकिन जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है ये दो हिस्सों में तकसीम है, दो सिस्टम है इसके, मतलब दो हिस्से हैं। जब हम उसको डिफाइन करते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, तो हमें इसको दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ता है। एक है नॉर्थ इंडियन, दूसरा है साउथ इंडियन। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो वो सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम, इस साल भर फ्लो करता है। इसमें ऐसे दरिया मौजूद हैं जो साल भर जिनमें पानी बहता रहता है और इनका ऑरिजिन स्नोफेड है, जबकि साउथ इंडिया के दरियाओं नॉर्थ की तरह नहीं बहते हैं, बल्कि उनमें पानी कम होता है, इनकी नस्बत कम होता है पानी, और साल के कुछ महीनों यानी मानसून सीजन में इनमें पानी होता है। और एक खुसूसन ये दरिया जो है सिर्फ ड्रेनेज पर्पज के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, यानी पानी की निकासी के लिए इनका इस्तेमाल अमल में लाया जाता है। जबकि नॉर्थ इंडिया के दरिया साल भर बहते रहते हैं और इनका पानी इन दरियाओं को हम ड्रेनेज के अलावा इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दो हिस्सों में हम पहले इसको तकसीम करते हैं, यानी नॉर्दर्न ड्रेनेज सिस्टम एंड साउदर्न ड्रेनेज सिस्टम। अब जो नॉर्थ इंडिया है काफ़ी बड़ा है, ज़रूरी है कि इसमें कोई एक ही सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो टोपोग्राफी है वो डिफरेंट है। इसलिए इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, या ये तीन हिस्सों में तकसीम है। एक है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीन ड्रेनेज सिस्टम जो है ये नॉर्थ इंडिया को वॉश करते हैं। जो इंडस रिवर सिस्टम है ये नॉर्थ वेस्ट को ड्रेन करता है। दरियाए सिंध, इसका मेन रिवर जो है वो दरियाए सिंध है। दरियाए सिंध हिमालयन माउंटेन से निकलता है तिब्बत के नज़दीक मानसरोवर लेक से, और हिंदुस्तान में ये दाखिल हो जाता है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, लेह डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होता है। इसके साथ जो दूसरे दरिया उधर मिलते हैं उनमें कुछ दरिया ऐसे हैं, शौक है ये गिलगित में, ज़ंस्कार, हुंजा, नोबरा, शिगर, ये दरिया हैं जो इसको लद्दाख रीजन में इसके साथ मिलते हैं। और ये आगे चलता है तो जब ये पाकिस्तान में इंटर होता है
वहाँ इसके साथ दरियाए नीलम मिल जाता है। आगे चलकर इसके साथ कश्मीर का दरिया दरियाए जहलम पाकिस्तान में मिलता है। पहले जहलम के साथ मिलते हैं चनाब मिलता है, जहलम के साथ पहले चनाब मिलता है, उसके बाद चनाब रावी ब्यास सतलुज, जहलम चनाब रावी ब्यास ये पहले मिल जाते हैं, फिर मिथनकोट मकाम पर ये सब सिंध दरियाए सिंध से मिलते हैं, जहाँ से दरियाए सिंध कराची से होता हुआ 2880 किलोमीटर की दूरी तय कर सफर तय करके इस पानी को भीरे अरब में डाल देता है। इस तरह नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्रेन होता है इंडस रिवर सिस्टम से। अब सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल नॉर्थ इंडिया जिसका ड्रेनेज करता है, जिसका ड्रेनेज करता है गंगा रिवर सिस्टम, क्योंकि ये क्लिप लोड करनी है, ज्यादा ये लोड नहीं हो सकता है, इसलिए इंशाल्लाह दूसरे लेसन पर हम गंगा रिवर सिस्टम डिफाइन करेंगे।